नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। इस वीडियो में हम IBACIO का टेस्ट नंबर 7 देखेंगे। इसमें आपको अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि पूरी तरह से IBACIO के पैटर्न पर आधारित हैं और इसी तरीके के क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने इस तरीके के हमारे पिछले क्वेश्चंस नहीं देखे, पिछले वीडियोज़ नहीं देखा है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियोज़ ज़रूर देखें। अगर आप वो सारे वीडियोज़ देख लेते हो तो आप IBACIO में आसानी से नंबर्स कवर कर सकते हो। ये एक तरीके से आपके गेस क्वेश्चन टाइप से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इज डिविजिबल बाय 41। आपसे बोल रखा है कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे हम 41 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के तो आपके 2-3 तरीके हैं। एक तो आप ऑप्शन वाइज इसे सॉल्व करते जाओ, 41 से सारे को डिवाइड करते जाओ। बट यहाँ पे तो आपको सबसे पहले लगेगा हम 41,000 को ही टिक कर दे, बट नहीं, आपको ये सारे को भी चेक करने पड़ेंगे। आप 1-to-1 सारे को चेक करोगे, आपका जो आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा। तो आप अगर डिवाइड करके देखो तो आपका सिर्फ 10004 ही हमारा 41 से डिविजिबल होगा। वैसे अगर इसकी ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या होता है, बिकॉज कभी कभी आपके क्वेश्चन आते हैं कि सेम रिमाइंडर छोड़े, 3-4 आपके दिए रहेंगे, 24, 20, 12 इस तरीके से, 36, इन तीनों से डिविजिबल बोलेगा और सेम रिमाइंडर छोड़े, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको इसकी ट्रिक भी पता होना चाहिए। तो अब से कर आप 5 अंकों की छोटी संख्या जो 41 से डिविजिबल हो, तो आपको इसकी ट्रिक क्या होती है कि आप 41 से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को डिवाइड कर दो। तो हमने डिवाइड कर दिया, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 2 टाइम्स कैंसिल हो गया 82, तो 8-2-10, 8-1-9-1-10, फिर 0, फिर आपका ये 4 टाइम हुआ तो 164, फिर इसमें किया 6-4-10, 6-1-7-1-8, फिर 160 हो गया, फिर 3 टाइम्स किया तो ये हमारा आ गया 1-2-3, तो हमारा आ गया 37 रिमाइंडर के रूप में। आपका जो रिमाइंडर के रूप में आया उसे जितने से डिवाइड करने के लिए बोल रहा था, जितने से डिविजिबल बोल रहा था, उसे उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 41-37 आ गया 4। अब आप इसी चीज़ को 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में ऐड कर दो तो 10,000+4 कितना हो गया, तो 1004 आपका आंसर हो गया 1004। अगर आपको बोलता कि सेम रिमाइंडर छोड़े इस तरीके के, तो जो भी हमारे आ जाते हैं यहाँ पे 1004 आया, उसके बाद जो इससे सबसे 1004 में 1 ऐड करके आपको हो सकता है, ऑप्शन होते 2 ऐड करके, तो जो सबसे छोटा रहा था उसे हम टिक कर सकते थे। ये होती है आप इसकी ट्रिक। वैसे आप इसे ऑप्शन से भी मार सकते थे डिवाइड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका कम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड तमन्ना बी अरेंज्ड। आपको एक वर्ड की बात कर रहा है, किस चीज़ की वर्ड, तो तमन्ना। बोल रखा है कि इसके जो लेटर्स हैं हम उसे कितने तरीके से सजा सकते हैं, तो हम इसे कितने तरीके से सजा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे ट्रिक होती है, सबसे पहले आप इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर कर दो तो वो आपका ईजी हो जाएगा। तो ए, फिर हमारा हो गया एम, फिर डबल एन, एंड फिर हो गया टी। इतने तरीके से ये हमारे लग सकते थे। तो आपसे बोल रखा है कि हम इसे कितने तरीके से सजा सकते हैं। तो सबसे पहले आपका सबसे फर्स्ट आपका क्या होना चाहिए कि जितने हमारे लेटर्स हैं उसे काउंट कर लो। तो आपके 7 लेटर्स हैं तो फैक्टोरियल 7 हो गए। डिवाइड आपको करना है किससे, फैक्टोरियल 7 को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो इस तरीके से, एक आपका जो हर जगह रहता है 7, इस तरीके से फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई आपको क्या करना है, जो नंबर रिपीट हुए उसे देख दो। ए हमारा 3 टाइम्स रिपीट हुआ तो फैक्टोरियल 3, फिर आपका एन 2 टाइम्स रिपीट हुआ तो फैक्टोरियल 2। अब आप इसे सॉल्व कर लो, तो 7 × 6 × 5, 4, 3, 2 और 1 इस तरीके से होता है, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, तो नीचे आ गया 3, 2, 1 और 2 और 1। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, तो 7 × 6 × 5 × 2, तो ये हमारा आ गया 420। आपका कितना आ गया, तो 420, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये आपकी होती है ट्रिक इसे सॉल्व करने की, कि सबसे पहले जितने लेटर्स से उसे देख लो। फैक्टोरियल को हम सॉल्व कैसे करते हैं, आपको जितना का भी फैक्टोरियल दे रखे, यहाँ पे फैक्टोरियल 7 है, तो आप 7 से छोटे सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 7, 6, 5, 4, 3 और 2 और 1 इस तरीके से। डिवाइडेड बाई आपका कह रहा है फैक्टोरियल 3, बिकॉज फैक्टोरियल 3 क्यों हुआ, बिकॉज ए आपका 3 टाइम्स रिपीट हुआ तो फैक्टोरियल 3, एंड इन 2 टाइम्स तो फैक्टोरियल 2। अब आप इसे सॉल्व करो तो ये हमारा आ गया 420, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है द वैल्यू ऑफ log 14/3 + log 11/5 - log 22/15 इज। इसे सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ों की जानने की ज़रूरत काफ़ी होती है। कह रहा है कि अगर आपको बोले log a / b, तो आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हो log a - log b।
अगर आपको बोले log a इंटू बी, तो आप इसे लिख सकते हो log a प्लस log b। आप अगर इस चीज़ को अच्छे से माइंड में बैठा लिए तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है log 14/3, तो log 14/3 तो हम इसे लिख सकते हैं log 14 माइनस log 3, बिकॉज ये आपका डिवाइड में है, तो a बाई वी इक्वल टू log a माइनस log v। फिर उसी तरीके से log 11/5 है, तो प्लस log 11 माइनस log 5। अब ये है हमारा माइनस में, आपको ध्यान देना यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस log 22 और ये माइनस log 15। अब आप इसे सॉल्व करो, ये आपका log 14 है, 14 भी आपका होता है क्या, 14 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 7। एंड log a भी का होता है log a प्लस log b, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, तो log 2 प्लस log 7। और ये 3 को तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो माइनस log 3 प्लस हो गया log 11 माइनस log 5 और माइनस ये आपका log 22 प्लस ये आपका हो गया log 15। अब फिर से हमने किया, अभी तो आपका कुछ भी कट नहीं हो रहा है, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, तो log 2 प्लस log 7 माइनस log 3 प्लस log 11 माइनस log 5। अब ये हमारा माइनस log 22 है, ये हमारा मल्टीप्लाई में जाएगा, माइनस log आपका हो जाएगा कितना, तो 22, इसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 11, तो ये हो गया log 2 प्लस log 11। उसी तरीके से हम इसे लिख सकते हैं log, इसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी log 5 प्लस log 3। अब हमारा log 3, log 3 प्लस में है, log 3 माइनस में है, कैंसिल। और आपका log 5 माइनस में है, log 5 प्लस में है, कैंसिल। अब हमारे पास बच गया log 2 प्लस log 7 प्लस log 11 और ये माइनस में है, माइनस log 2 माइनस log 11। log 2 से हमारा log 2 कैंसिल हो गया, log 11 से log 11 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच क्या गया, तो log 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरीके से आपके log के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आपके यहाँ पे एक चीज़ और आ जाते हैं कि log अगर आपका दे रखे कितना, तो a का स्क्वायर, तो हम इसे सीधे लिख देते हैं 2 log a। इतने सारे आपके अगर log की ट्रिक आपको पता हो, तो आप log की कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आपका, करे द रेशियो इन विच टी कॉस्टिंग आर एस 192 पर के जी बी मिक्सड विथ टी कॉस्टिंग आर एस 150 पर के जी सो डैट द मिक्सड टी वेन सोल्ड फॉर आर एस 194.40 पर के जी गिव्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ये हमसे बोल रखा है कि हमारे पास दो तरीके की चाय है। पहले तरीके की चाय है हमारा कितना, तो 192 पर के जी, एंड दूसरे तरीके की चाय है 150 पर के जी। बोल रखा है इस दोनों चाय को मिक्स करें। अगर आपको मिक्स की बात करें, तो आप इसे एलिगेशन से सॉल्व करोगे। दोनों चाय को मिक्स करता है और बेचता है 194.40 पर के जी से, तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है, तो वो उसे कितने रेशियो में मिक्स किया होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा आपको, सबसे मेनली आपको क्या ध्यान देने कि आपको 194.40 में सेल कर रहा है, बट आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से जो भी आपका एलिगेशन होगा, बिकॉज आपसे पूछ रहा है कितने के रेशियो में मिलाया, तो अगर 192 रुपये वाली चाय को मिलाया और 150 रुपये की चाय को मिलाया, तो जो उसकी लागत लगेगी उसी से तो हमें पता चलेगा कि उसने कितने में मिक्स किया। तो उसने बेचा 194.40 और 20% प्रॉफिट पे, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, तो 194.40 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई आपका हो गया 100। पॉइंट से ये हमारा 00 नीचे आ गया, 0 से 0 कैंसिल, और ये हमारा 0 से 0 कैंसिल। तो अब हमारा ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में, तो 162 टाइम्स में, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 162। तो इसे हम बीच में लिख देंगे। अब हम इसे एलिगेट करेंगे, माइनस एलिगेट में यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा, तो 162 माइनस 150 बोले तो 12, 192 माइनस 162 तो 30। अब आपका रेशियो कितना हो गया, तो 2:5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके के आपके क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ये देखना होता है कि यहाँ पे हमारा सोल्ड लिखा हुआ है और प्रॉफिट लिखा हुआ है, या गेन या आपका लॉस लिखा हुआ है, आप उससे सबसे पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकालोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कितने के रेशियो में मिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, करा अ डीलर सोल्ड एन आर्टिकल एट 6% लॉस, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹64 मोर ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10% व्हेन द देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। ये हमारा बोल रखा है कि एक डीलर है जो कि आर्टिकल को बेचता है 6% लॉस पे, अगर वो 64 रुपीज़ ज़्यादा में बेचता तो उसे 10% का प्रॉफिट होता, तो आर्टिकल का कॉस्ट कितना था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको करना क्या होता है कि आप आर्टिकल का कॉस्ट मान लो 100,
कह रहा है 6% लॉस पे खरीद बेचता है, तो 6% लॉस पे अगर बेचेगा तो 94 में बेचेगा, फिर कह रहा है 10% प्रॉफिट पे बेचेगा तब कितने में, तो 110 में, कह रहा है ऐसा करने पे उसे 64 रुपीज़ ज़्यादा में बेचने पड़ते हैं, बट यहाँ पे हमारा कितना आ गया तो 16 यूनिट ज़्यादा में बेचने पड़ते हैं, यानी 16 यूनिट हमारे बराबर हो गया कितने 64 रुपीज़ के, तो आपसे पूछ रहा है कॉस्ट यानी 100 यूनिट के बारे में, तो अगर 60 यूनिट 64 रुपीज़ के बराबर तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो 64 × 100 डिवाइडेड बाई 16 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया 400 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 7 इज, हमसे कह रहे हैं कि 4 अंकों के सारे जो हमारे नंबर्स होते हैं उसका सम निकालो जो कि 7 से डिविजिबल हो, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देख लो कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 7 से डिविजिबल होगी, तो आपका सबसे पहला क्या आ जाएगा तो 1001, आप इसे चेक कर लो ये 7 से डिविजिबल होगी, 1 टाइम किया 3 हमारा रिमाइंडर बच गया, फिर 30 फिर 2 टाइम्स किया तो 2 रिमाइंडर, फिर 3 टाइम्स, तो ये आपका हो गई। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा तो इसमें 7 ऐड तो 1008, इसी तरीके से आपका चलते जाएगा कितने तक, सबसे बड़ी की बात करें तो आपका आ जाएगा 999 and 6, इतने सारे आपके जो नंबर्स होंगे वो 7 से डिविजिबल होंगे। आपसे बात कर रहा सम की, इसे हम एपी से सॉल्व करते हो, तो इसका सम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है तो NY2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, हमें फर्स्ट टर्म मालूम है लास्ट टर्म मालूम है बट एन नहीं मालूम है, यानी कि एन मतलब होता क्या है कि कितने नंबर्स है तो वो हमें नहीं मालूम है, तो इसे हम TN के फॉर्मूला से यूज़ करेंगे, तो TN इक्वल टू होता क्या है तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो TN आपका TN मतलब लास्ट टर्म तो 9996 हो गया, फर्स्ट टर्म 1001 हो गया, N हमें नहीं मालूम है एंड डिफरेंस आपकी कितनी हो गई तो 7 की। अब आप इसे सॉल्व कर लो, 9996 माइनस 1001 किया तो ये आपका कितना आ गया तो 8995 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7 हो गया, तो एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया तो 1285, तो एन का वैल्यू हमारा आ गया 1286। अब आपका एन का वैल्यू आ गया 1286, यानी इसके बीच में 1286 ऐसे नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होगा, तो सम कितना हो गया तो 1286 डिवाइडेड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म आपका हो गया 1001 प्लस लास्ट टर्म 9996। अब आप इसे सॉल्व कर लो, 2 से इसे कैंसिल किया तो 643 मल्टीप्लाई बाई आपका हो गया 10997, तो हमारा कितना आ गया तो 7071071, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा है अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर हैव इक्वल वेस्ट डायमीटर एंड इक्वल वॉल्यूम्स, द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज, आपसे बात कर रहा है एक कोन यानी कि शंकु की, बोल रखा है कि एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, आपका कोन का सबसे पहले डायग्राम कैसा होगा तो हम कोन के लिए एक डायग्राम बना देते हैं, कह रहा है एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, तो कोन हमारा इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से हमारा कोन बन जाता है, ये हमारा हो गया कोन, यहाँ से हमारा एक लाइन जाएगा इस तरीके से, और बोल रखा है कि एक हेमिस्फीयर है, आपको और किस चीज़ की बात कर रहा है तो एक हेमिस्फीयर की, तो यहाँ पे आप एक हेमिस्फीयर ड्रॉ कर लोगे, हेमिस्फीयर मतलब होता है क्या है तो एक अर्धगोला, तो कोन की आपको डायग्राम पता है, अर्धगोला कैसा होता है ये भी आपको पता है, कह रहा है दोनों के बेस जो डायमीटर है वो इक्वल है और दोनों के वॉल्यूम्स इक्वल है, तो उनके हाइट का रेशियो क्या होगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों के वॉल्यूम की, तो अगर कोन एंड हेमिस्फीयर है, कोन का वॉल्यूम हमारा कितना होता है तो 1/3 πr² h, एंड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है तो 2/3 πr³, बोल रखा है दोनों इक्वल है एंड दोनों के डायमीटर अगर इक्वल होंगे तो रेडियस भी इक्वल होंगे, तो ये हमारा इक्वल बोल रहा है। अब आपको पूछ रहा है इसके हाइट का रेशियो पूछ रहा है, रेशियो ऑफ दियर हाइट्स इज, तो यहाँ पे तो एक की तो हाइट होती ही नहीं है, तो रेशियो ऑफ दियर हाइट की अगर बात करें तो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से एक हमारा आर बच गया, तो हमारे पास अगर हाइट की बात करें तो हेमिस्फीयर का जो हाइट होता है वो इसका रेडियस ही हो जाता है, आप चेक करो तो हेमिस्फीयर का जो हाइट होगा उसका रेडियस ही हो जाता है, तो एच हाइट इज टू रेशियो रेडियस बोले तो हमारे कितना आ गया तो 2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा है ए कवर्ड हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 20 km/h एंड रेस्ट एट x km/h, देन हिज एवरेज स्पीड इज 24 km/h, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, कह रहा है कि एक लड़का है जो कि आधे जर्नी को 20 km/h से कवर किया और दूसरे को x km/h से, और इसका एवरेज स्पीड है 24 km/h, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड का आपको एक फॉर्मूला पता होगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2x/(x+y), आप इसी फॉर्मूले पे इसे तोड़ दो तो ये हमारा हो गया एवरेज स्पीड, आपका दे रखा है कितना
तो 24, तो 24 किलोमीटर बराबर आपको दे रखा, और फॉर्मूला हमने आपको बताया 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, तो हमारा हो गया एवरेज स्पीड 2 इंटू 20 इंटू एक्स, बिकॉज एक आपको स्पीड नहीं पता है, डिवाइडेड बाई आपका हो गया 20 प्लस एक्स। 20 प्लस एक्स इक्वल टू आपका कितना दे रखा है, ये आपका 20 है, 20 प्लस एक्स इक्वल टू आपका एवरेज स्पीड है 24। अब आप इसे सॉल्व कर लो, 40x इक्वल टू हमारा हो गया 480 प्लस 24x। अब हमने इसे सॉल्व किया तो ये हमारा हो गया 16x इक्वल टू 480, यानी x इक्वल टू आ गया कितना, तो 30। तो हमारा एवरेज स्पीड, हमारा अगर स्पीड की बात करें x की वैल्यू की, तो 30। तो आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।